ुड स्पाई दिव्य सोलगाम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चाहिए सुपर हिट नहीं बल्कि कहूंगा ब्लॉक पस्ट फिल्मों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर इवन एक्टर एंड दैट राकेश रोशन सर सर इट्स एन ऑनर आई जस्ट लव यज एंड आज हम बात कर रहे हैं थर्टी ईयर्स ऑफ प्लॉक पर्स्टर सेवेंटी फाइव वीक्स चली थी दैट्स करण अर्जुन के बारे में सबसे पहले तो फिल्म रिलीजिंग लेकिन शुरू करते हैं सर जो बात पहले अनाउंसमेंट हुई थी किंग अंकल के बाद आपने एक अनाउंसमेंट की थी एक फिल्म आ रही है कायनाथ स्टारिंग अजय देवगन एंड शाहरुख खान अब ये कायनात जो थी वो कैसे करण अर्जुन बन गई प्लीज पहले तो वहां से बताइए मैंने जब ये कहानी मेरे डायलॉग राइटर अनवर खान को सुनाई तो वो तीन चार दिन के बाद आए और मुझे बोले कि आ, ये कहानी बहुत यूनिक है और ऐसी कहानी कभी बनी नहीं है पहली बार ऐसी कहानी बनने जा रही है क्योंकि हमेशा रीन कॉन्डिशन लफ स्टोरीज पर ही बनी है करेक्ट एक माँ और बच्चों पर कभी नहीं बनी है तो क्यों ना हम नाम करण अर्जुन रखें कायनात नहीं रखते हैं ओके तो मुझे वो जो नाम है ना करण अर्जुन वो बहुत रिलीविक लगा मुझे ओके okay. मैंने ये अच्छा नाम है कायना शायद बहुत से लोग समझे नहीं एंड दिस काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट फॉर दिस मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगा नाम करण अर्जुन ओके okay. तो इसलिए नाम चाहिए तो फिल्म में ओरिजिनली उनका नाम करण अर्जुन ना ही था अर्जुन ओके इससे उसने कहा बट सर इसके पहले जब वैन यू स्टार्ट इड यू नो यू गेव किम अपूपर हिट फिल्म खुद घर खून भरी मांग किशन कन्हैया ये जो आपकी uh, फिल्में थी हमेशा फैमिली ड्रामा ड्रामेटिक टाइप की फिल्में थी इवन द फिल्म विच यू डिड आउटसाइड योर बैनर जो काला बाजार थी अगेन खेल थी ये सब भी कॉमिकल या अगेन ड्रामेटिक दिस वॉज योर फर्स्ट आउट एंड आउट एक्शन फिल्म तो कहीं पे कोई स्केप्टिकल थे कि मैं अपने पूरे जो जिसमें सक्सेस इतनी सारी सक्सेस मिली थी उसे छोड़ के मैं कुछ अलग कर रहा हूँ तो कहीं पे वो कुछ था नर्वसनेस थी जब फिल्म शुरू कर रहे थे नहीं मैं मेरे लिए क्या है कि मैं आ, हर पिक्चर मेरे लिए, लिए बहुत चैलेंजिंग होती है क्योंकि मैं हमेशा नए किस्म के सब्जेक्ट बनाता हूँ अगर खुदकश चली दो दोस्तों की पिक्चर तो कोई और फिल्म अगर होता मेरी जगह वो दो हीरो की पिक्चर बनाता दो दोस्तों की पिक्चर बनाता था और मैंने डायरेक्टली ऑपोजिट पिक्चर बनाई भरी करेक्ट फिर उसके बाद मैंने कृष्ण खनैया बनाई डबल रोल फिल्म फिर उसके बाद मैंने कई अंकल बनाई जैकी और छोटी बच्ची के साथ और जिसमें शाहरुख भी था जी और फिर मैंने सोचा कि मैंने एक्शन फिल्म बनाई नहीं तो मैं एक्शन फिल्म बनाना चाहता हूँ तो मेरे करियर में देखेंगे मैंने अपने आप को कभी रिपीट नहीं किया yeah. मैंने हर बार कोशिश की है कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँ hmm. कि जो पिक्चर मुझे स्लीपलेस नाइट्स दे hmm. मुझे रात को से सोने ना दे मैं वो पिक्चर बनाना चाहता हूँ हमेशा कोशिश की है और भगवान ने साथ दिया है कि सब मैं कामयाबी मिली है लेकिन आ, जब तक मैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट खुद अपने आप नहीं लेता हूँ मेरे अंदर से वो कुछ वो जागता नहीं है वो एक फीलिंग कि इसमें मैं इसको कैसे बनाऊँ जब तक तो वो इनसिक्योरिटी फीलिंग नहीं आती है मुझे में मुझे चैन नहीं मिलता बट उसी साल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी वॉज अ ब्लॉक पर्सन और यू you नो know, थोड़ी सी वो कॉमिकल फिल्मों का दौर वापस शुरू हो गया था थोड़ा कहीं पे हो कि एम आई कमिंग अप विद राइट फिल्म नहीं, वाले नहीं मेरे बाद बाद रिलीज बाद हुई लोगों के पिक्चर को बहुत पसंद करता हूँ उनके साथ कंपीट नहीं करना चाहता होती मैंने ये पिक्चर बनाई है तो अगली पिक्चर क्या बनाऊ इससे बेटर तो कोशिश मेरी वही रहती है सर जो कास्टिंग थी उसको लेकर काफ़ी म्यूजिकल चेयज हुए थे अगेन इनिशियली इट वॉज लॉन्ट विद अजय देवगन एंड शाहरुख खान फिर न्यूज़ आई थी आमिर वॉज इंटरेस्टेड इन द फिल्म मैंने कहीं एक और स्टोरी पढ़ी थी कि आप इनिशियली यू वॉन्टेड सनी एंड बॉबी ऑल्सो इन द फिल्म क्या था क्या सर इतने सारी कहानियाँ नहीं नहीं बॉबी और सनी ओके अजय देवगन शाहरुख वो दे तो वो दोनों आए मेरे पास जी बोले कि हम अपना इमेज चेंज करना चाहते हैं तो मैं करण का रोल करना चाहता हूँ और अजय ने बोला मैं अर्जुन का रोल करना चाहता हूँ रोमांटिक रोल ओके okay. बोला कि रोमांस तो दोनों में है दोनों गाना गा रहे हैं दोनों ही एक्शन कर रहे हैं hmm. खाली एक है कि वो फाइटर है एक है वो गुल तेज है hmm. बस यही डिफरेंस है बाकी सब चीज़ तो एक ही कर रहे हैं तो उसमें क्या इमेज चेंज होना वाला आपका hmm. पर वो समझे नहीं बात को नहीं समझे उस वक्त क्योंकि वो भी नए नए आए थे जी। तो उनको भी क्या ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ समझ में आती हैं तो वो दोनों छोड़ गए पिक्चर को ओके दोनों ने छोड़ दोनों ने छोड़ दी तो फिर मैंने कहा कि मैं अभी फिर मैंने दिमाग में सलमान और आमिर थे क्योंकि सेम एज के मुझे लड़के चाहिए थे तो फिर मैं सलमान के पास गया ही से लियस ये द सब्जेक्ट वेरी मच आमिर ट का अकाउंट स्टार्ट इमीजिएटली मैं एक पिक्चर में काम कर रहा हूँ वो ख़त्म करके छः सात महीने के बाद शुरू करेंगे hmm. तो जब शाहरुख को पता चला कि हम मैंने कास्ट बदल लिया तो शाहरुख वापस आया मेरे पास ओके okay. और कहा कि नहीं नहीं राकेश सर आपको आ, मैं ही काम करूँगा किंग अकल मैं आपसे ही मैंने ब्रेक hmm. लिया है आप ही ने मुझे पहला चेक दिया है तो मैं रात को नींद नहीं आ रही कि मैं आपसे ये दो आई एम नॉट कन्विंस विद द स्टोरी बट आई लिव इट आई लिव माई सेल्फ टू यू आई ओनली टू डू द फिल्म फिर मुझे जाकर आमिर को समझाना पड़ा oh. कि शाहरुख डेट दे रहा है शाहरुख करना चाह रहा है और मेरी डेट्स अगले महीने से ही हैं hmm. तो आई हैव टू वेट फॉर बोट है आमिर अंडरस्टैंड से रोटे गो हुए

અને જેહઝ ધ ફાયર ઇન્ડમ હમ તો ઇસે ચાઇના ગાર્ડ મે મિલે મેરુ ઓકે ઉસમે એક રેસ્ટોરન્ટ હોતા થા જી મે અપને કેમેરા કોન પર મેં દેખા જોર ઉસકો બેઠે હુએ થા રાતા મેરે એક બસવાલી કે સર જી તો મે વિવાહી વિરેક કો જાતા થા મે ઉસકે ચાલે ગઈ વિરેક કે પાસ મે બે કહું યુ આ એમ એટ ચાલુકુડા એ સાલુ ગાઈસ સહી ની યોર ફિલ્મ એ એપિસોપના બોજી કા બોજી એન યુ આર વેરી ગુડ ઇન ધ ફિલ્મ આર યુ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન વર્કિંગ ઇન ફિલ્મસ વોઝ નો નો આમ નોટ રેટ ધેટ અચ્છા તભી હી વોઝ નોટ ઇન નો ઓકે कि वाला मैं मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ उसमें अच्छा रोल है इफ़ यू वांट दिस इज़ माय नंबर यू कम टू माय ऑफिस मीट मी तो नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आ गया कि मैं लेडियू मेरी सर उसके बारे में तो हम कभी और बात करेंगे बट जब मैंने सुना था कि इनिशियली इट वाज अमिताभ बच्चन एंड किंग अंकल यस क्या फिल्म बनती वो तो I mean, कहानी में लिखी उनके लिए थी लेकिन क्या हुआ कि किसी वजह से वो डिले होती थी मामला अमिताभ वो गोइंग थ्रू समेयर ही वॉन्टेड टू लीव अ गैप फॉर टू थ्री ईयर्स जी तो वो कह रहे थे हमेशा मुझे कि मैं बस ये ख़त्म हो जाए तो मैं आप तुम्हारी शुरू करके हुँ. बस वो लास्ट है मेरी पिक्चर उसके बाद मैं पिक्चर दो तीन साल नहीं करने वाला हूँ मगर तो मैं वेट करता गया करता गया वो उसमें साल डेढ़ साल गुजर गए मैं एक ही पिक्चर बनाता हूँ जी और दो वो भी दो तीन साल में एक पिक्चर हाँ। बनाता हूँ बट ठीक है तो, तो मैं थोड़ा सा थक uh, गया था कि मैं कितना वेट करूँ hmm. तो फिर मैंने बट वॉट कॉम्बिनेशन था शाहरुख खान एंड अमिताभ बच्चन बट कमिंग बैक टू करण अर्जुन सर रीन कॉन्डिशन की आपने बात की और जो आपने बताया कि इसके पहले हमेशा लवर्स की कहानी बनी थी कर्ज वॉज थोड़ी सी हटके थी विच वॉज ऑल्सो अ रिस्क टेकिंग प्रोजेक्ट बिकॉज वहाँ पे वो बदला लेने आते और फिल्म नहीं चली थी और आप लोगों ने मुझे ये थॉट प्रोसेस कैसे आया कि दो भाई आ रहे बदला लेने किसी hmm. ने इट नेवर डन ना कोई हॉलीवुड की फिल्म में कभी किसी ने देखा था ना साउथ में देखा था किसी ने सोचा भी नहीं था इसके बारे में ये ये कॉन्सेप्ट जर्म कहा से शुरू ये पता नहीं मैं हमेशा देखा लव स्टोरीज में रे है तो मैंने सोचा वाई नॉट ए मदर एंड टू लव बिकॉज वो प्यार सच्चा प्यार है मजबूत प्यार है मार बच्चों का तो मैं माँ के सामने दो बच्चे मारे गए और मार जाती है मंदिर में और रोती है और कहती है कि भगवान को कि नहीं मेरे बेटे मुझे लौटा दो मेरे बेटे मुझे लौटा दो और जिस कन्विक्शन से ने, से राखी ने वो सीन को परफॉर्म किया तो एक मन में ऐसा ऑडियंस के लगा कि नहीं यार इसके बच्चे आना चाहिए भले वो आसमान से आ जाए ट्रू पैदा ना हो मैं वापस आ जाए तो ये बेस बन गए पिक्चर के सो दैट सीन वसो कन्वि क्या बोलते हैं उसको वो दिल को हिलाने वाली सीन okay. तो कन्विंस कर गई वो सीन ओके तो वहाँ से यू थॉट कि एक नहीं दो दो रेन का हाँ।, हाँ मैंने दो बेटे इसलिए रखे एक बेटा भी रख सकता था मगर आपने देखा होगा कि जब भी रोमांस में रोमांटिक फिल्म्स में जब रेन होते हैं राइट right. तो उनकी मुलाकात होती है फिल्म हाँ। कहीं उनको एक फीलिंग आती है हम कहीं मिल चुके हैं पहले कहीं उनका कुछ रोमांस शुरू होता है कुछ दोस्ती शुरू होती है तो मैं यहाँ अकेला होता वो तो मतलब नहीं तो वो कुछ किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता तो उसके लिए दो रखे तो जो रोमांटिक सेंस हीरो हीरोइन के बीच में होते थे हुँ. मैंने उनको कंसीव किया दो भाइयों के बीच में

जब मैंने पिक्चर अनाउंस की शाहरुख का सलमान के साथ जो मेरे रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे पहले सात साल पिक्चरों में दो दो तो छोड़ गए मुझे वो बोले कि आप रोमांटिक पिक्चर हीरो को ले रहे हैं हाँ। और आप बोल रहे हैं एक्शन पिक्चर बना रहे हैं हाँ। क्योंकि हम आपके कौन हैं है, दिल है। हाँ। तो वो 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 समझे नहीं पर जब मैंने सलमान की फिजिक देखी और उसकी आ, उस वक्त ही वॉज अ वेरी बॉय एट दाइम वे वी यू टू सी घर में कैसा था मुझे पता नहीं बट वॉट इज वन आई सी इज पिक्चर्स एंड फोटोग्राफ उसकी आँखों में मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये, ये कलिंग रोल ने बहुत सूट करेगा hmm. जो आदमी कम बात करता है hmm. लेकिन आँखों से हमको समझ में आता है वो क्या कहना चाह रहा hmm. है एंड शाहरुख वॉज वेरी पॉस्टलेस hmm. तो उसको इसलिए उस और शाहरुख को तो मैं काम कर चुका हूँ किंग अंकल में मुझे मालूम है कैपेबिलिटी इज अ वेरी फाइन एक्टर टू एनी काइंड ऑफ़ रोल और आज दोनों एक्शन हीरो बने हुए कोर्स शुरुआत यहीं से हुई थी बट म्यूजिक लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक म्यूजिक बिग 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 प्लस पॉइंट ऑफ ऑल योर फिल्म सब फिल्म में आज भी सुपर हिट सॉन्ग्स रहे इसमें ऑफ कोर्स जाती हूँ मैं इज़ अ सुपर 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 हिट सॉन्ग बट मैं पहले शुरुआत करूंगा बंधन तो ये बंधन तो आज अगर इतने सालों बाद इट्स बिकम लाइक अ एंथम सॉन्ग ऑफ दिस फिल्म यू नो जिस तरह से अगर दिल कोई कितनी सारी फिल्म शोले में भी अगर हम बात करें तो जो म्यूज़िक सुनते से ही वी कनेक्ट विद दैट फिल्म और यहाँ पे भी वही है कि द मोमेंट वील यर दैट सॉन्ग या उसकी सिर्फ म्यूज़िक सुनते हैं और वो पूरी पिक्चर फ्लैश में आ जाती है सामने उस सॉन्ग के पीछे की कहानी बताइए सर मेरे साथ क्या होता है कि मैं जब आ, कहानी बनाता हूँ स्क्रिप्ट लिखता हूँ डायलॉग्स के साथ तो लिरिक राइटर म्यूजिक डायरेक्टर मेरे कैमरामैन जितने भी मेरे टेक्नीशियंस हैं उन सबको मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ ताकि वो सब सिंख में रहे उनको पता है कि हम आज जो शूटिंग करने वाले हैं और दस दिन के बाद जो करने वाले उनको पता होना चाहिए क्या कनेक्शन है क्या लाइटिंग होनी चाहिए राइट तो वो भी अपना मूल बनाते हैं पिक्चर पर तो वैसे ही इंदिवर जी और राजेश ने तो इंदिवर जी ने, ने लिखा पिक्चर की स्टोरी को रख के ध्यान में कि रीन का रीन का नेशन की पिक्चर है ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का ये संगम है ये उनका थॉट है फिर राजेश ने ट्यून बनाई उसके लिए जी। फिर हम वो बैठे उस गाने के लिए जाती हूँ मैं तो इंदिबाजी भी बैठे थे राजू भी बैठा था मैं भी बैठ तो उनका जो एक कॉन्गो प्लेयर है वो कुछ रिदम बजा रहा था इसे okay. तो मुझे वो रिदम बहुत पसंद है मैंने राजू ये रिदम बहुत अच्छा है नया है इसमें तो एक ट्यून बनता है तो उसने उसी वक्त <laughs> और मैंने उस वक्त सिचुएशन में ये था कि उसको जल्दी जाना है घर काजल को तो इंदिव्य ने लिख दिया जाती हूँ मैं जल्दी इस तरह के गाने साहब तो जीनियर कमाल कमाल जीनियस। मेरे पिक्चर में उन्होंने जो गाने लिखे हैं हर पिक्चर में उनके गाने जो हैं वो मेरे कहानी को बड़, आगे बड़ा आगे बढ़ हैं इवन एक मुंडा लता जी से आपने गवाया था यू नो इट वॉज अ वेरी स्वीट सॉन्ग बहुत ही डिफरेंट था और बाकी के गाने भी अगेन देखे तो भंगड़ा पाले तो अगेन सुपर हिट है ही बट दैट यू नो कुमार शानू सिंगिंग फॉर हिम एंड एवरीथिंग या इस सॉन्ग में भी जैसे कहा कुमार शानू एंड उदित नारायण जो नाइन्टीज़ के पिलर्स है बट उनके दोनों के साथ के जो आइकॉनिक सॉन्ग्स बहुत कम हैं दिस इज द फन ऑफ द आई थिंक ओनली कह सकते हैं I think so. This is the only song where both the songs together. Yeah, है एक दो और but super that. hit तो यही वाला कह सकते हैं. But sir, जब picture release हुई थी, you know nobody thought कि इतनी बड़ी hit हो जाएगी. Uh, I remember watching it in Minerva when I was in school. मेरे uncle लेके गए थे हमको. I think it was in 58 week या yeah, 50 और तभी भी picture houseful थी. एंड सैटरडे मिनरवा एंड पैक पूरा हाउसफुल सिटियाँ पीपल एट वॉचड इट थ्री फोर टाइम्स और सारे लोग पहले से ही दे न्यू कि सलमान की एंट्री होने वाली है वो दोनों का फेस ऑफ होने वाला है आई वंट टू नो कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भाग गए थे और बाकी के डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके रिएक्शंस क्या थे जब पिक्चर सेवेंटी फाइव विक्स नहीं वो जिस जिस दिन पिक्चर रिलीज हुई उस दिन उनका फोन आ गया अच्छा अभी आई वेरी सॉरी हमसे गलती हो गई अभी हम आपको कभी छोड़ेंगे <laughs> पर फिर कभी जुड़े नहीं मैंने कभी दिया नहीं उनको क्योंकि अगर उनको फिल्म मेकर पे अगर विश्वास नहीं है और एक्टर पे ज़्यादा विश्वास है तो कोई मतलब नहीं होता बट ये तो बॉम्बे का मैं जो रिएक्शन बता रहा था उस हाँ। वक्त का मुंबई का बट इंटीरियर्स में दिस मूवी वॉज़ लाइक द शोले के बाद का जो पागलपन देखा गया था वो टू यर फॉम यू सर क्या न्यूज़ आती थी क्या रिएक्शंस था ऐसा था कि रेगुलर शोज बारह बजे के होते थे जी तो और दोनों रोमांटिक हीरो हैं पिक्चर में एक्शन पिक्चर है तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फोन आया कि बहुत प्रेशर है पिक्चर के लिए एडवांस के लिए कि हम नौ बजे का शो रख लें अच्छा मॉर्निंग तो में। उस वक्त कभी पहले कभी हुआ नहीं था ऐसे मैंने देखी पिक्चर आपकी है आप ज्यादा एक्सपीरियंस है सब चीज़ों में आप देख लीजिए अगर आपको नौ बजे का रखना तो नौ बजे रख लीजिए पर ऐसा ना हो कि एडवर्स रिपोर्ट्स आए हाँ तो फिर बोलते नहीं नहीं हम ट्राई करते हैं तो उस वक्त तो ये मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था राइट तो मैं सो रहा था तो सवा छः बजे मेरा मेरे टेलीफोन मेरे बेड के पास थी तो वो बज रही तो मैंने उठा नहीं रहा था मैं तक क्या यह जरूर कभी ये करूँ फिर सोचा कि फ़ोन उठा के रख दूँ तो फिर रखने गया तो मैंने हेलो बोले मैं ये यहाँ से सीपी, सीपी से बोल रहा हूँ आपका डिस्ट्रीब्यूटर जी बोला क्या हुआ बोले हमने सुबह छः बजे का शो लगा दिया था और सवा छः बजे हैं अभी हाउसफुल है मैं सवा छः का शो लगा बजे नेवर मतलब कभी सुना ही नहीं छः बजे लोग कैसे आ गए वो तो नहीं वो नौ बजे के शो के लिए इतने बड़े लोग आए थे तो हमने गेट खोल लिया तो सब आ गए उसमें फिर राजस्थान से फोन आ जाए फिर सी आई से फोन आ जाए फिर पंजाब से फोन आ गया तो ये एक अजीब ही कलिश्मा हो गया कि फिर रात के जब शो खत्म हो गया बारह बजे तो फिर वो डेढ़ बजे का एक शो लग गया तो सात दिन लगातार चौबीस घंटे पिक्चर चल रही थी सब सेंटर्स में तो ये एक भगवान का कलिश्मा है ये केमिस्ट्री होती है जब पिक्चर इसमें मेरा कोई बड़पन नहीं है मेरे एक पिक्चर बनाई है पर तो कभी कभी ऐसा होता है हर किसी पिक्चर के साथ कभी कभी भगवान बोलते ले रहा हूँ बोनस बट इस फिल्म के क्रेडिट्स में अगेन ऋतिक रोशन का भी नाम आता है सलमान हाउ वी एज एसिस्टेंट टू यू ही वॉज वेरी वॉज दूट डिपेंड ऑन नॉट ऑन वर्क वर्क तो काम तो बेचारा करता ही था yeah. Bonus. Yeah, bonus. <laughs> लेकिन मैं जब ये करण रजू मैंने बनाई कैसे नहीं। नहीं। किंग अंकल के बाद मेरा ट्रायल शो था किंग अंकल का तो सुभाष भाई वगैरह को मैंने बुलाया था उन्होंने पिक्चर देखी तो सुभाष भाई ने मुझे बोला कि राकेश देख मैं देखता हूँ जर्म से लेकिन तो ये छोटे छोटे पिक्चर भी बना था, बड़ी पिक्चर बना नहीं। नहीं। अब वो मेरे जहन में बैठ गया बड़ी पिक्चर बनाऊँ अभी सुभाष जी के पिक्चर में तो इतने हीरो बड़े बड़े स्टारकास्ट होते हैं पहले मैं कैसे बनाऊँ बड़ी पिक्चर कहानी भी तो ऐसी होनी चाहिए कोई तो मैं क्या ऋतिक को जब भी मैं कुछ कहानी के मैं मुझे आइडियाज आते थे तो मैं ऋतिक को सुनाता था एक एक लाइन में दो दो लाइन तो वो चौदह साल का था बारह साल का तेरह साल का ऐसे ही लोगों में ऐसी कहानी याद आ है जब तो ही रिमाइंडेड मी पापा भाई बहुत टाइम पहले आपने मुझे एक

फिर मैं जब आ, मिक्सिंग करता था राजकमल स्टूडियो में तो उस वक्त यश जी का ऑफिस राजकमल स्टूडियो में होता था उस वक्त करेक्ट तो वहाँ अली भी होता था ऋतिक भी उसमें दोनों दोस्त थे तो मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ पिक्चर की तो अली आके देखता था आगे हाँ बाहर बोलो था अंकल या पिक्चर्स भी सुपर हिट तो मैं बच्चे हैं दोस्त हैं ऋतिक का तो अब किसको पता है पिक्चर बन रही है बिलीवेबल स्टोरी भी नहीं है लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे फिर पिक्चर का फर्स्ट कॉपी निकल आई तो मैंने ट्रायल रखा तो सलमान के पूरे फैमिली को बुलाए सलीम साहब भी आए जी तो सलीम साहब ने इंटरव्यू में मुझे बोला कि राकेश तुमने क्या बनाई तुम्हें खुद तो पता नहीं क्योंकि okay. ये पिक्चर उतरने से उतरेगी नहीं मैंने नाम लिख लिया था wow. वाह और मैं हाँ दिल कहा खुश हो अगर सलीम जावेद yeah, सलीम ने ऐसे कहा सलीम जी ने तो एक खुशी हुई कि इतनी मेहनत से मैंने ये पिक्चर बनाई hmm. और ऐसे अगर पहले ही शो में कोई ऐसा कहे कि तो बहुत अच्छा लगता है सुनने को okay. सर आपके पूरे करियर में आपने कभी आपने एक एक पहली बार एक dare किया था Was that the चोली के पीछे के उसके वजह से कहीं पे आपने ऐड किया था नहीं नहीं क्योंकि वो गाना था वो पांच के सामने गाना करी ओके okay. और के जो एक साइकोलॉजिकल एक दिमाग होता है वो एक ही तरफ का होता छत <laughs> पे सोया था बहन <laughs> तो इसलिए फिल्म वो गाना सिचुएशन के हिसाब से कर बट कमिंग बैक टू राणा जी दैट्स हम धी अमरीश पूरी सर अगेन उन्होंने इतनी सारी फिल्में की है हम हमेशा शॉक हो जाते थे कि जो आदमी हर सेकेंड फिल्म में विलन बन रहा है बट हर सेकेंड फिल्म में ही वॉज ऑलवेज डिफरेंट यहाँ पे भी वो ठाकुर तो कितने पिक्चरों में बन चुके थे बट एक जो डर जो उनकी आंखों में तो शॉट्स जो आपने कुछ कुछ जो लिए है वो एक्चुअली डर लगने लग गया था करके कैसा था यू वर्क अर्लियर आल्सो विथ हिम किशन कन्या ही वाज देयर हाउ वाज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ थॉरो जेंटल जेंटलमैन जी अ वेरी फाइन पर्सन अ वेरी फाइन मैन वेरी पंक्चुअल कभी आ, जब मैंने उनको कहानी सुनाई hmm. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है करण अर्जुन वापस आएंगे अच्छा <laughs> तो मैंने बोला आप जितनी बुरी तरह से मारेंगे उनको वो उतनी बुरी तरह से वापस आएंगे आपको मारने के लिए एंड देन अगेन इन एवरी सीन टेल मी ये डायलॉग में ऐसे कहूँ ऐसे कहूँ सो ओबीडियन तुम्हें नहीं अमरी जी अच्छा लग रहा है ये जो कह रहे हैं वी वेरी गुड फ्रेंड्स ही अंडरस्टूड मी आई अंडरस्टूड हिम सो so, बहुत और क्या है कि उस वक्त वैनिटी वैंस वगैरह होते नहीं थे करेक्ट तो सब एक्टर्स एक ही साथ बैठे हैं कुर्सियों पे लंच एक साथ कर रहे हैं डिनर एक साथ कर रहे हैं आउटडोर में हैं तो एक ही होटल में ठहरे हैं तो शाम की महफिल भी एक साथ करते थे तो एक लिपरो पिकनिक यू नो कि एक फैमिली जो है मिलकर पिक्चर बना रही है सर राजस्थान में जहाँ शूट किया था इज़ इट ट्रू दैट वहाँ पे कोई जगह है विच इज़ नोन एज के यहाँ पे मतलब टूरिज्म में वो ऐड हो चुका है लोग वहाँ बताते ये करण अर्जुन की शूटिंग यहाँ हुई थी ये जगह पे हुई थी इज इट ट्रू या ट्रूस या, या। या? प्लेस कॉल सरिस वहाँ पे एक पैलेस है जिसको हमने पिक्चर में दिखाया है तो वही होटल है वहाँ ठहरे थे और उसके जो जो जगह है वहाँ पर शूटिंग की थी वहाँ पर मैंने कुछ पचास साठ दिन की शूटिंग की एट अ स्टेज नहीं फिर क्लाइमेस किया हमने सामोद पैलेस में तो okay. सामोद करके एक जगह है जयपुर से कुछ सौ किलोमीटर दूर एक विरान सी जगह थी हुँ. तो वहाँ पे रहने की जगह भी ली थी तो मैंने सोचा कि डेढ़ घंटा रोज़ जयपुर से आए लोग शूटिंग पे लेट हो जाएंगे तो वहाँ पे एक डिलेपिलेटेड एक आश्रम था okay. तो मैं आश्रम के ओनर के पास गया हुँ. मैं बोला कि आप कुछ को आप मुझे इसको होटल बना सकते हैं सो दे ऑल स्टेड हाँ, हाँ आश्रम को okay. तो वो बोले कि आश्रम होटल मतलब क्या मैं ले एक कमरा हाँ. बाथरूम हो जाए और ए सी हो जाए आ, कमरा होगा मतलब पंद्रह फीट ब दस फीट का एक एक कमरा हुँ. तो ऐसे उसके ऊपर कुछ साठ सत्तर कमरे थे वहाँ तो मैंने उसको होटल बना दिया तो और मैं बोला मैं पैसे देता हूँ और जब मैं शूटिंग करने आऊँगा मुझसे पैसे मत लीजिएगा तो मैंने पैसे दे वो होटल बनवाए

वो उन सीन्स के बारे में जो पिक्चर में नहीं थे कुछ तो होंगे ऐसे जो आपको कट करने पड़े लेंथ के थ्रू या कोई बाद में देखा होगा यार ये अच्छा सीन था बट फिल्म में फिट नहीं हो रहा है लेट्स हियर इट फ्रॉम मैंने अभी तक सतराह पिक्चरें बनाई हैं जी सतरा के सतरा पिक्चर में मेरे कोई भी सीन एजिटिट बाहर नहीं होते अपने okay. मैं जो स्क्रिप्ट बनाता हूँ मैं दो साल लगाता हूँ एक साल लगाता हूँ डेढ़ साल लगाता हूँ तो so, मैं अगर तीन घंटे की पिक्चर बनाने है तो तीन घंटे की स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो कहीं कोई भी सीन मेरे बाहर निकलते नहीं है ना कभी कोई रीशूटिंग होती है सो आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड दैट वे क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए Correct. जो भी पैसा है वो पिक्चर में लगना चाहिए तो so, मेरे पास ऐसी कोई सीन नहीं है जो मैंने निकाल के मैंने बाहर रखा खाली एडिट कर लेता हूँ hmm. तेज़ तो करने के लिए कुछ फेम्स निकाल दिए इस सीन के तो एक्चुअली आई लर्न डायरेक्शन फ्रॉम एडिटिंग सो आई एडिट माई सीन्स अर्लियर इन दाइल राइटिंग द स्क्रिप्ट अ नाइस वे, बट जो आज की एक और बात करें कि इस फिल्म की एक और कल्ट लेवल पे बन गए दैट इज ऑफ राखी यू नो कुछ भी होता है राखी जी का वो आ जाता है मेरे करण अर्जुन आएंगे हाउ डू यू रिएक्ट टू रियक्ट अच्छा अच्छा लगता, वो अच्छा लगता है सुनने है भाग अर्जुन भाग जी वो अच्छा लगता है फिर वो भी अच्छा लगता है ठाकुर तो गए हो ठाकुर तो गए फिर वाला जोक ये सब अभी भी चलता रहता है तो अच्छा लगता है सुनने में जी को तीस साल पुरानी बातें अभी भी देख अभी फिर फिलहाल ही कुछ एक महीने पहले कपिल के शो में करण अर्जुन बने थे दोनों देख के बड़ा अच्छा लगता राखी भी थी वो बनी हुई थी भला था मतलब तो अच्छा था बट आपकी कई फिल्में साउथ में रीमेक हुई है इस फिल्म को किसी ने रीमेक नहीं किया था अच्छा ये पता नहीं तो अगर मतलब आज के दौर में अगर या उस टाइम पे भी South, you know, को किसी को लेकर किसी को आप इमेजिन करते हैं मुझे इतना का नहीं है। अपने यहाँ पर बन सकती है यह सबको बट स्टिली कहाँ पे साउथ में या अपने यहाँ पे अपने यहाँ पे मैं तो नहीं बना सकता हूँ ओके okay. क्योंकि एक चीज़ में मुझे लगता है कि जो बन जाती है वो बन जाती है दोबारा उसको आपको आप ट्राई करेंगे तो शायद ही कामयाब हो मगर कोई और बना सकता है किसी को और किसी को चाहिए तो वो बना सकता है बट टू पॉइंट ओवर्जन तो हो सकता है ना सर अर्जुन टू विथ यू मेकिंग इट विथ रिथिक इन द नहीं नहीं वो, वो उस वक्त की एक फीलिंग थी हर पिक्चर के साथ एक फीलिंग होती है बट टाइम वाइज चेंज भी होता रहता है वैसे गदर केम बैक आफ्टर सो मेनी इयर्स आई आई नो नो बट मेरे में वो 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 फीलिंग नहीं आती थी मुझे मैं हाँ एक मुझे क्रिश की जो एक फॉर्मेट है जी ऑफकोर्स वो तो, वो वो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो फैमिली ओरिएंटेड है जुँँ. एक कहानी से दूसरी कहानी पर जा पाएंगे यहाँ जा नहीं पाएंगे बट अगर <laughs> <laughs> ये आज बनती तो आप कैसे लेते ये आज बनती तो मैं कोर्स ऋतिक तो होता ही इन विच रोल करोल एक्शन और अर्जुन करोल है रणबीर कपूर है चलिए hmm, nice. <laughs> <of course. laughs> yeah, हम सब तो going first day, Friday. जा ही रहे फ्राइडे पूरी फैमिली को लेकर जा रहा हूँ आई जस्ट होप कोई सिंगल स्क्रीन में रिलीज हो तो वहां जाके देखने का जो मजा होगा yeah, वो तो डिफरेंट yeah, yeah. ही होगा सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग सम वंडरफुल फिल्म मेड हिस्ट्री थैंक यू